किडनी जब अपना काम नहीं कर रही होती है तो क्रिएटिनिन यूरिया तेजी से बढ़ने लग जाता है और किडनी का कोई भी पक्का इलाज ना होने की वजह से एक किडनी रोगी की तबीयत दिन पे दिन और भी ज़्यादा खराब होती चली जाती है। डॉक्टर भी आपको सिर्फ किडनी ट्रांसप्लांट या डायलिसिस करने के लिए बोलते हैं, जो कि एक परमानेंट इलाज नहीं होता है। अगर कैसा हो कि आप घर बैठे ही अपना क्रिएटिनिन यूरिया बिल्कुल कम कर लें और जिसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत भी ना हो और आपको अपना कीमती पैसा भी ज़्यादा खर्च करने की जरूरत ना हो, तो कैसा होगा? तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्रिएटिनिन यूरिया कम करने का ऐसा एक तरीका जो बहुत ही ज़्यादा बेजोड़ तरीका है और ये 100% काम करता है। अगर आप इसको अपनाते हैं तो इससे आपका क्रिएटिनिन धीरे धीरे कम होने लगेगा। क्रिएटिनिन कम करने के बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारी दवाइयां हैं, पर ये जो नुस्खा मैं आपको बताने वाला हूं, जो मैं तरीका आपको आज बताने वाला हूं, इससे आपका क्रिएटिनिन और यूरिया बहुत तेज़ी से कम होगा। क्रिएटिनिन हमारी बॉडी द्वारा बनाया जाता है। हम कुछ भी खाते हैं या पीते हैं या जब हम चलते हैं तो हमारी मांसपेशियों द्वारा भी क्रिएटिनिन का निर्माण होता है। नाइट्रोजन ही क्रिएटिनिन का निर्माण करता है और जब किडनी ब्लड को अच्छे से फिल्टर नहीं कर पाती तो ये क्रिएटिनिन ब्लड में इकट्ठा होने लग जाता है। अगर एक किडनी रोगी को अच्छी मात्रा में पसीना आने लग जाए तो ये क्रिएटिनिन उसके पसीने के जरिए बाहर निकलने लग जाता है और उसके शरीर में भरा हुआ जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो भी पसीने के जरिए बाहर निकल जाता है। तो आपको सोना बाथ टब लेना है। सोना बाथ टब लेने से एक फ़ायदा ये होगा कि आपका जो पसीना है वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आएगा। पसीने आने की वजह से आपके शरीर से क्रिएटिनिन और यूरिया जो है बहुत तेज़ी से कम होने लगेगा। आपके शरीर में भरा हुआ जो एक्स्ट्रा फ्लूड होगा वो भी तेज़ी से निकलेगा और आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। ना तो आपको डायलिसिस कराने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत पड़ेगी। बस आपको अपनी डाइट पर कंट्रोल करके रखना है। कुछ भी जो हाई प्रोटीन वाली चीज़ें हैं वो नहीं खानी, ऐसी चीज़ें नहीं खानी जो आपको नुकसान करे। तो आपको डेली दिन में 2.5 घंटे सोना बाथ टब का इस्तेमाल करना है। इसको इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा आसान होता है, जैसा इस फोटो में बताया गया है वैसे ही आप इसको इस्तेमाल करें या आपको किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पर मिल जाएगा। इससे आपका जब शरीर में से पसीना निकलेगा तो साथ में आपके बड़ा हुआ जो आपके शरीर में पोटेशियम होगा, फॉस्फोरस होगा, साथ में नमक होगा, वो भी बाहर आएगा। जिस किडनी रोगी का बीपी लो रहता है वो सोना बाथ टब लेने से पहले अपनी बीपी को जरूर चेक करे। अगर ज़्यादा बीपी लो है तो वो सोना बाथ टब को इग्नोर करे और जिनका बीपी हाई रहता है इससे उनका सोना बाथ टब लेने से उनका बीपी भी सही रहने लगेगा और ऐसे इनकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा सुधार आने लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अभी वीडियो को तुरंत शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।